हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज़ की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी भी दबाएं। ठान रखा है अगर आपने तो यकीनन एक दिन पाओगे जरूर, बस जरा मेहनत की आंच पर खुद को और तपा लो तुम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आपका दोस्त आदि गणेश। गुणों की बात चल रही थी, काव्य गुणों की। आज हम बात करेंगे, पिछली कक्षा में हमने माधुर्य गुण को पढ़ लिया अच्छे से, उम्मीद करते हैं आपको याद भी हो गया होगा। आज हम देखेंगे औज गुण और प्रसाद गुण, जो हमारे तीन प्रमुख गुण हैं, उनको आज जिनमें से एक कर लिया, दो को आज देखेंगे। इनके जो लक्षण बताए गए, उन लक्षणों को आप अच्छे से मनोमस्तिष्क में बिठा लें, ताकि जब भी कोई प्रश्न आए, उदाहरण आए, तो आपको आसानी हो उसके करने में। चलिए अब बात करते हैं दूसरे गुण, ओज गुण की। ओज यानी आपको कोई भी रचना, काव्य रचना, पंक्तियां देखते हो तो आपको पढ़ते उसमें जोश का सा भाव हो, आप आवेशित हो जाओ, आप में उत्साह आ जाए, आप उत्तेजना से युक्त हो जाओ, तो वहां पर आप क्या करोगे, ओज गुण। देखते हैं तो इसका जो संबंध होता है वो चित्त की दीप्ति से होता है, चमक से होता है। देखिए, जहां पर उत्साह, वीरता, जोश आदि का भाव हो, वहां पर क्या होगा, ओज गुण होगा। और कल कईयों ने बोला कि सर वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, तो आपने अपनी वीडियो की क्वालिटी कम कर रखी होगी, वो थ्री डॉट होती है, उनपे क्लिक करके बढ़ा ले क्वालिटी, यहां से SD उपलब्ध करवाया जाता है आपको। इसका प्रयोग वीर, विभत्स और रौद्र रसों में किया जाता है, होता है। ओज गुण का किसमें होता है, वीर, विभत्स और रौद्र में। अब देखिए, कल हमने बात की थी जहां पर माधुर्य गुण की, वहां पर कठोर वर्णों का अभाव था, समासों, दीर्घ समासों का अभाव था। अब यहां पर क्या होगा, ओज गुण में कठोर वर्णों की तो व्यंजना होगी, यहाँ पर कठोर वर्ण आएंगे, यहाँ पर द्वित्व व संयुक्त व्यंजन अक्षरों का या द्वितीय या संयुक्त अक्षरों का आधिक्य होगा। कल हमने जो पढ़ा था माधुरी केंद्र, वहां पर द्वितीय वर्ण नहीं आ रहे थे, संयुक्त वर्ण नहीं आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर आएंगे, ओज गुण के अंदर यही आएंगे। और रेफ ध्वनियों की अधिकता होगी, यहाँ पर दीर्घ समासों का प्रयोग होगा। ऐसे हम कह सकते हैं कि माधुर्य, माफ कीजिएगा, माधुर्य गुण की जो विशेषताएं हैं उसके बिल्कुल विपरीत है ओज गुण की विशेषताएं। इस तरीके से लक्षणों को याद रखोगे तो आसानी होगी। उदाहरण देखते हैं, जैसे अब ये ध्यान रख लेना, लक्षण कठोर वर्णों की व्यंजना, द्वितीय संयुक्त व्यंजन आएंगे, इसमें रेप ध्वनि आएगी और दीर्घ समासों का प्रयोग होगा। अब देखिए, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, भाव भी देखना, साथ ही अपने आप भाव पता चल जाए कि हाँ ओज गुण से युक्त है ये। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो इन पंक्तियों को पढ़ते एक उत्साह, आवेश, जोश, उत्तेजना का भाव हमारे अंदर हृदय में उत्पन्न होता है। और यहां पर द्वितीय संयुक्त व्यंजन कठोर वर्णों का प्रयोग, काट ये होता है, और इसको पढ़ते हमें लगता है कि हाँ कुछ उत्तेजना वाला, जोश वाली, यहां पर आग भड़काने वाली हृदय के अंदर बात हो रही है। अब देखिए, जो आलाखंड है, कुरुक्षेत्र है, रश्मि रति है, हल्दी घाटी, पीतल पातल, ये जितने भी रचनाएं हैं इनके अंदर ओज गुण का ही प्रयोग हुआ, इसी का प्रयोग इसमें, इसी का भाव इसमें समाहित है। तो ये था ओज गुण। कल देख लिया माधुर्य गुण, उसकी विशेषताओं के विपरीत इसकी विशेषताएं है। और अब देखते हैं प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में क्या होता है दोस्तों, कि आपको बिना कोई ज्यादा मेहनत किए हुए, बिना प्रयास किए आपको जो काव्य रचना होती है उसको अनायास ही आपके हृदय के अंदर आनंद विभोर हो जाते हो आप, अनायास ही आप उसका अर्थ ग्रहण कर लेते हैं, तो वहां पर प्रसाद गुण होता है। ऐसी काव्य रचना जो अनायास ही हृदय को प्रभावित करती हो, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी ज्यादा ध्यान लगे, आपके हृदय में वो अंकित हो जाती है वो पंक्तियां, वहां पर प्रसाद गुण होता है। सरल शब्दों का इसमें प्रयोग होता है। इसका प्रयोग उपदेश परक व भक्ति भाव की सरल सरल रचनाओं में होता है। इससे जो युक्त है प्राकृतिक चित्रण भी मिलता है इसके अंदर, और देखें हम तो प्राकृतिक चित्रण भी मिलता है। तो ऐसी रचनाएं होगी जिसमें कोई उपदेश देने वाली बात हो या भक्ति भावपूर्ण रचना हो, तो वहां पर प्रसाद गुण। और इन दोनों के लक्षण तो आपको बता ही दिए, तो ये जहां पर लक्षण नहीं पाए जाएंगे फिर
यही होगा यहां पर। तो इनसे इनको याद करके भी इसको भी आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रायः ये सभी रसों में प्रयोग होता है इसका। इसमें शांत रस प्रदान, इस बात को ध्यान रखिएगा, शांत रस प्रदानता होती है और सुनने में उसको आनंद मिलता है। बिल्कुल सरलता, शरणपूर्ण, ज्यादा कठोर वर्ण नहीं होते, बिल्कुल आनंद विभोर हो जाते हैं, बिल्कुल आसानी से इसको समझ लेते हैं। वहां पर प्रसाद गुण होगा, जैसे हे प्रभु आनंददाता, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए और शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। बिल्कुल शब्द इसमें सरस है, साधारण है, इसको पढ़ते ही हमें अनायास ही बिना किसी प्रयास के इसके अर्थ को हम समझ के, इसके भाव को हम समझ के, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रसाद गुण में नीर भरी दुख की बदली, यहां पर इसमें भी प्रसाद गुण होगा। आसानी से भाव समझ रहे, हृदय तक अंकित हो रही इस पंक्तियों का भाव। तो हमने माधुर्य गुणों के विषय में किस किन किन विद्वानों ने क्या क्या कहा वो पढ़ा, गुणों के कितने कितने प्रमुख क्या क्या भेद हैं वो पढ़े, उसके बाद में माधुर्य गुण पढ़ा। आज हमने देखा औज गुण और प्रसाद गुण, इनकी विशेषता, इनके लक्षण देखे, जिनके माध्यम से आप आसानी से प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो शुक्रिया दोस्तों, आज की कक्षा में बस इतना ही।